मेरे गांव परोख तथा आसपास के गांव के निवासीगण तथा इस अभिनंदन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, देवी और सज्जनों, आज मेरे आने से आपको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा मुझे खुशी है। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच यहाँ पहुँचने के पहले मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के साथ पथरी देवी मंदिर जाकर दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। बरसों पहले मैंने देखा था, लेकिन आज जब वहाँ पर गया तो एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया है, ग्राम पंचायत को उसकी व्यवस्था सौंपी गई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो एक भव्य प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाए। इसके पश्चात मैं अपने पुश्तैनी निवास का, जिसको जीर्णोद्धार कराने के बाद उसे हमने ग्रामवासियों के उपयोग के लिए मिलन केंद्र के रूप में दिया था, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। आज मुझे उस मिलन केंद्र को ग्राम पंचायत को देने का जो निर्णय लिया था उसका आज मुझे संतोष हुआ। अन्यथा जो जिस प्रकार का गांव के मकान होते हैं, जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब मुझे लगता है, और मुख्यमंत्री जी ने उसमें और भी सुझाव दिए कि इस मिलन केंद्र का उपयोग हम महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम हों, उनकी बैठकें हों, उनके उत्थान के बारे में गोष्ठियां हों, उनके जीविकोपार्जन के संबंध में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो मिलन केंद्र में भी आयोजित की जा सकती हैं। आज उस मिलन केंद्र में जाकर के मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस गांव के बच्चे, खासकर बेटियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित जिस वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज का जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने, उस विद्यालय में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसी विद्यालय से जुड़ा हुआ एक शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसमें भी जाकर के भगवान शंकर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, जिस पृष्ठभूमि में आप हैं वहीं हम भी हैं। आज देश के आप नागरिक हैं, मैं भी आपका जैसा नागरिक हूं। अंतर केवल इतना है, संविधान में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन पृष्ठभूमि आपकी और हमारी बराबर है, अर्थात हम सब
बराबर के दर्जे के हैं, लेकिन कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिलेगा। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये करके दिखा दिया। अब वो बातें नहीं हैं कि आपकी पारंपरिक यदि परिवार में कोई राजनैतिक है, कोई प्रतिष्ठित परिवार है, तो उन्हीं के लोग जो हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कल मैं एक दिन पहले मैं प्रेसिडेंशियल जो स्पेशल ट्रेन है उससे मैंने आने का जो एक निर्णय लिया, और वो रेलवे ने अनुरोध किया था कि मैं चाहता हूँ कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नज़र आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है दो लाइनों का, दो ट्रैक का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन मैंने वहाँ पर कहा था, मैंने शायद रूरा में कहा था, मैंने कहा था कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये हम सबका, उत्तर प्रदेश वालों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद वहाँ पहुँचे। लेकिन मैं उससे आगे की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के रूप में तो लगभग 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति के रूप में केवल अभी एक ही राष्ट्रपति हुआ है। आप सबके लिए, उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया है। आगे आपका कृतित्व, उत्तर प्रदेश के लोगों का कृतित्व और आचरण, ये आपको उस संवैधानिक पद का जो सर्वोच्च आसन होता है वहां तक पहुंचाने में आपको मदद कर सकता है। आज इस अवसर पर मैं देश के स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान निर्माताओं के अमूल्य बलिदान व योगदान के लिए मैं उन्हें नमन करता हूं। सचमुच मैं आज जहां तक पहुंचा हूं उसका श्रेय इस गांव की मिट्टी और इस क्षेत्र तथा आप सब लोगों के स्नेह व आशीर्वाद को जाता है। भारतीय संस्कृति में मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर में भी यही सीख दी जाती थी, माता पिता और गुरु तथा बड़ों का सम्मान करना हमारी ग्रामीण संस्कृति में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांव में सबसे, आज आप सब लोग जानते हैं कि मेरे माता और पिता जीवित नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन परिवार के लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं। आज गांव के जो सबसे बुजुर्ग पुरुष थे उनको पिता का दर्जा दिया गया, सबसे जो वृद्ध महिला थी उसको माता का दर्जा दिया गया, और ये जो दर्जे दिए जाते हैं वो किसी जाति वर्ग या संप्रदाय उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बड़ों का सम्मान करने की हमारे परिवार की ये परंपरा अब भी जारी है। मेरी ये यात्रा पहले होने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा संकेत दिया, लेकिन मैं उसका और विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अन्य संवैधानिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोगों और सरकारों से मिलने और उनके मुद्दों को समझने का दायित्व निभाने में समय लगा। सन 2019 में यहाँ आने का कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता बढ़ी और दिल्ली में बने रहना अनिवार्य हो गया। सन 2020 के दौरान कोरोना की महामारी के कारण यहाँ आना संभव नहीं हुआ। अंततः आज इस महामारी की चुनौतियों पर कुछ अंकुश लगने की स्थिति में आप सबके बीच आना संभव हो पाया है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि आप 3 और 4 साल तक अपने गांव नहीं आएंगे, ये कैसे? लेकिन इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि इस बीच में
मोबाइल वीडियो जैसे जो संचार माध्यम जो नई तकनीक हमें मिली है उन सुविधाओं की सहायता से गांव के लोगों से निरंतर मेरा संपर्क बना रहा और जिसका मुझे आज संतोष है। मैं मित्रों ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कहीं भी रहूँ मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परौंख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। मातृभूमि के प्रति इसी कृतज्ञता का भाव लेकर आज मैं इस क्षेत्र की धरती को सत सत नमन करता हूं। यहां आने के पूर्व लगभग 15 दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रपति भवन में आना हुआ एक शिष्टाचार भेंट के लिए और उस समय चर्चा हुई। मैंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने भी कहा कि नहीं अभी कोरोना की गति धीमी हो रही है, इसी समय हम लोगों को परौंख गांव चलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि बरसात के दिन शुरू हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात होगी तो होती रहे, काम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे। और इसी मुख्यमंत्री जी जो हमें हौसला बढ़ाया गांव आने का, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूं और इसीलिए हमारा यहां आना सार्थक हो सका। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जब गांव में प्रवेश किया, मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे गांव में अच्छे अच्छे मकान बन गए हैं, पक्के मकान बन गए हैं, बिजली की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, रहोनिया जिसको कहते हैं जो बाज़ार लगता है उसका भी दृश्य देखा, अच्छा लगा और पूरे गांव का मैंने भ्रमण कर लिया। और गांव वालों को जो हमारे भाई बहन बेटियां बच्चे उनका जो मैंने अगाध प्रेम देखा पुष्प वर्षा के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये शायद पहला मौका है जहां मैंने देखा है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के आने पर गांव के लोग पुष्प वर्षा करते हैं। ये मैं अपने गांव के लोगों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो पुष्प वर्षा के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, सबसे पहले मुझे अपने सहपाठी, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे लेकिन वो बहुत सारे उम्र के लिहाज से वो भगवान को भी प्यारे हो गए, लेकिन आज जो हैं मौजूद हैं अपने सहपाठी जसवंत सिंह, विजयपाल सिंह उर्फ सल्लू सिंह, हरी राम जो इस बीच में नहीं है, चंद्रभान सिंह भदौरिया, राजा राम, दशरथ सिंह याद आते हैं। उनके साथ मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की और हम सब ने साथ साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए थे। उसी संगति में एक दूसरे की मदद करने जैसे जीवन मूल्यों का निर्माण भी हुआ। उन मित्रों और सहपाठियों का मेरे जीवन में आज एक विशेष स्थान है। हमारे गांव के वातावरण और यहाँ के लोगों से जीवन निर्माण के विभिन्न आयामों को विकसित करने में भी मुझे मदद मिली। मुझे आज भी स्मरण है कि इस गांव में राजनैतिक चेतना जगाने की शुरुआत स्वर्गीय बजरंग सिंह जी ने की थी, जो कि जसवंत सिंह जी के परिवार से जुड़े हैं, उनके बड़े भाई थे। ये स्वर्गीय बजरंग सिंह जी इस गांव में सबसे पहले वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को इस गांव में उनको लाने का श्रेय जाता है। वो बहुत बड़ी बात थी, वो लगभग 50-60 साल पहले की बात है। राम मनोहर लोहिया जैसा व्यक्ति, देश का सर्वोच्च नेता, और वो परौंख जैसे गांव में यदि आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। श्री
धन सिंह भदौरिया जी ने अपने प्रयासों से गांव के लोगों में आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना को व्यापक आधार दिया। सामाजिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने वाले व्यक्ति की भूमिका में स्वर्गीय तुराब खां भी मुझे याद आते हैं। तुराब खां और दराब खां ये दो भाई थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बनाने में बहुत मदद की। आज राष्ट्रपति के रूप में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की भूमिका निभाते हुए मुझे अपने गांव के सैन्य अधिकारी और जवान श्री जगदीश सिंह भदौरिया और गोरेलाल सिंह के नाम भी याद आते। हमारे गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की विशेष स्मृतियां मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित हैं। सूबेदार सिंह, कैलाशनाथ वाजपेयी, गहबर सिंह, रामचंद्र शुक्ला, मोतीलाल गुप्ता, बाला प्रसाद शुक्ला, मास्टर राजकिशोर सिंह, महेश सिंह, भोले सिंह सांसद नहीं, दूसरे हमारे गांव के भी एक भोले सिंह। मान भाव ने इस गांव को भारतीय संस्कृति के सहज मूल्यों के साथ जोड़कर रखा। गांव के वातावरण में सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सौहार्द, शिक्षा के प्रति लगाव, कर्तव्यों के प्रति चेतना, ऐसे कई आदर्शों को मजबूत बनाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे बहुत सारे सहपाठियों और वरिष्ठ ग्रामवासी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूँ। कुल मिलाकर शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक न्याय पर आधारित राजनैतिक चेतना को जन्म देने, चरित्र व जीवन के निर्माण में उपयोगी संस्कारों को बनाए रखने तथा आपसी भाईचारे पर जोर देने के गांव के वातावरण का समग्र प्रभाव मेरी सोच पर भी पड़ा है। भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन के आरंभिक लगभग 14-15 वर्ष गांव में बिताए थे। उसके बाद कानपुर और फिर दिल्ली में रहा, लेकिन अपने गांव से मेरा लगाव कभी कम नहीं हुआ और यहां आने जाने का सिलसिला बना रहा। इतने गहरे और लंबे जुड़ाव के कारण यहाँ की स्मृतियाँ प्रायः जीवंत उठती हैं। परोंख में ही उस समय एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त विद्यालय हुआ करता था और बाद में मैं जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए खानपुर जाया करता था। प्राइमरी पाठशाला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जिनको मैं जरूर आज याद करना चाहता हूँ, वो नुनारी निवासी थे, शंभुदयाल त्रिपाठी जी। उनकी प्रेरणा आज भी मेरी स्मृतियों में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ही मुझे बड़ों का सम्मान और एक बहुत बड़ी उन्होंने सीख दी थी, रोज प्रातः माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की सीख भी उन्होंने ही मुझे दी थी। नुनारी का ही एक शाही परिवार था, पहले वो लालजी थे, फिर बाद में बनाजी, उनके नाम का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। नुनारी के शाही परिवार के प्रमुख बनाजी के जो उत्प्रेरक जो प्रसंग और बातों को मैं आज भी याद करता हूँ। उस समय प्राइमरी शिक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए यहाँ कोई विद्यालय नहीं था। मैं उसी समय ये महसूस करता था, आज मैंने मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया को ही बताया कि ये अगर मैं सोचता था कि अगर यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल होता, माध्यमिक विद्यालय होता, तो शिक्षा के प्रति गहरी लालसा रखने वाले बच्चे भी आगे पढ़ाई कर सकते थे और विशेष करके जो हमारी बच्चियाँ थी वो गांव के बाहर, उनको जाने का पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिल सकता था। मैं सोचा करता था यदि मैं कभी किसी योग्य बन पाया तो यहाँ एक विद्यालय की स्थापना कराऊंगा, जिससे यहाँ के बच्चों को, खासकर बेटियों की शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। हमारी पीढ़ी में बेटियों को पढ़ने के लिए गाँव से बाहर भेजना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए मेरे अंदर गांव में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ललक थी। इसी सोच के परिणाम स्वरूप आज वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज में पठन पाठन की सुविधा यहां के बच्चों को मिल रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इस विद्यालय का प्रांतीयकरण कर दिया गया है, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। बहनों और भाइयों, एक हम सब लोग जानते हैं एक अदृश्य वायरस जिसका नाम कोरोना है, ये महामारी ने मानव समाज को झकझोर दिया है। लगभग 100 वर्षों के बाद पूरे विश्व को चपेट में लेने वाली
ये एक ऐसी महामारी है जिसके दुष्परिणाम आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। इस महामारी को निर्मूल करने के लिए अभी भी अधिक से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महामारी से जुड़ी जांच, चिकित्सा, रोकथाम, जरूरतमंदों की सहायता और टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए। इसके लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के हकदार हैं। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। कोरोना के संदर्भ में फिटनेस पर ध्यान देने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज हम सबको खुशी है कि पूरे देश और प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं तो टीका लगवाएं ही, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी कहा है कि आप प्रायः प्रयास करिए कि इस पूरे कानपुर देहात जिले के जो प्रमुख गांव हैं, तहसील स्तर से निचले स्तर पर जाकर के वो वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाएं। मैं एक बार फिर शिक्षा के महत्व पर जोर देना चाहूँगा। शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी के लिए विकास के नए अवसर प्रदान करती है। मूल्यपरक और संस्कार युक्त शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होने से हमारा समाज संकीर्णताओं से बाहर निकल पाएगा, पारस्परिक सौहार्द को बल मिलेगा और सबकी ऊर्जा विकास के कार्यों में लगेगी। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कुछ महीनों पहले जब मैं अपनी चिकित्सा के लिए अस्पताल में था तो देश विदेश से मुझे स्नेह और शुभकामनाओं से भरे संदेश मिलते रहे। मेरे गांव और इस क्षेत्र के लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे अनुष्ठान आयोजित किए, मंगल कामनाएं की, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां आसपास के गाँव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं। इन सभी ग्राम प्रधानों को अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने गांव में आकर मुझे हमेशा एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। गांव की हवा, पानी और मिट्टी में एक संजीवनी शक्ति होती है। आप सबके स्नेह से मुझे विशेष बल मिलता है। जन्मभूमि से जुड़े ऐसे ही आनंद गौरव को व्यक्त करने के लिए संस्कृत काव्य में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। अपनी जन्मस्थली की आज इस यात्रा ने मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है। जब कभी मैं विदेशों में होता हूँ तब भी भारत माता का गौरव सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहता है। इसी तरह समाज और देश के लिए सेवा भाव के साथ राष्ट्रपति भवन में जब काम करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूँ तो अपने गाँव की याद मुझे बार बार आती है। आप सबका आत्मीयता भरा अभिनंदन और स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूँगा, आप सबसे अनुरोध करूँगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है, उसको देखने की, उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिले दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति भवन को आकर के देखें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य तथा मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अगले आगामी एक वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री जी से संपर्क में रहूँगा। एक वर्ष के दौरान मैं फिर इस क्षेत्र में परोंक अथवा आसपास के किसी क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिले तो मैं आप सबसे जो आज की तरह जो रूबरू हो पाया हूँ वो मुझे सौभाग्य पुनः मिलेगा। आप सब लोगों को कष्ट हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, कष्ट तो सबको होता है, लेकिन आपको जो मेरे से मिलने की, मेरे को देखने की जो ललक थी, उस ललक से मुझे
अपने लोगों को आप लोगों के देखने की ललक थी। आज जब मैं गांव में घूम रहा था तो मेरी माताएं, बहनें, बच्चियों, उनके चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी तो मुझे लगा कि शायद आज मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है। मैं पुनः आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।